are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। यूके टैक्स फॉर्म्स में क्रिप्टो एसेट्स एक सेपरेट कैटेगरी बन जाएगी। सिग्नेचर बैंक कोलैप्स क्योंकि इसने एडवोकेट सिक्योरिटी मेजर्स के बिना क्रिप्टो क्लाइंट्स को गले लगा लिया। लीडिंग क्रिप्टो डेटा फॉर्म का स्वागत करने के लिए हांगकांग सेट। बिटथम इलीगल वर्चुअल एसेट्स एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए टेस्ट के सबॉर्डिनेट हैं। FTX को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स बिटबॉय पर मुकदमा किया। रिपल ने वेब टू अडॉप्शन में एक्सेलरेट करने के लिए सिंगापुर के फंड के साथ पार्टनरशिप की और उसमें इन्वेस्ट किया। US ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग को $1.25 बिलियन तक बढ़ाने के लिए मेकर ने फर्स्ट वोट पास किया। पूल्स ने क्विक क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ सिक्योरिटी इंसिडेंट से ओवरकम करता है। नए ARB डॉलर्स टोकन को एयर ड्रॉप करने के लिए आर्ट्रिब्रम एक DAO में ट्रांजिशन शुरू करें। हैकर अटैक के कारण पैरास्पेस लगभग 2900 EVH खो चुके हैं। कार्डानो फंडामेंटल अपडेट रिसीव करेगा। NFT बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जायंट सेल्सफोर्स ने पॉलीगन के साथ पार्टनरशिप की। 15 मार्च को UK ट्रेजरी ने स्प्रिंग 2023 के लिए नेशनल बजट पर एक रिपोर्ट पेपर पब्लिश किया। डॉक्यूमेंट क्रिप्टो एसेट्स के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर्म्स में अमेंडमेंट की घोषणा करता है। US सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने एलिगेशंस लगाए कि सिग्नेचर बैंक फेल हो गया क्योंकि उसने अपने गेट रिच क्विक नैरेटिव के खरीद में और एक्विडेड सिक्योरिटी मेजर्स के साथ क्रिप्टो क्लाइंट्स को गले लगा लिया। इस बात पर जोर देते हुए कि बैंक ने एक्सट्रीम रिस्क लिया, सेनेटर ने सिग्नेचर बैंक के CEO को आपके द्वारा बनाए गए इकोनॉमिकल डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जवाब मांगा। 17 मार्च को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार कायको ने अपने एशियन हेडक्वार्टर्स को सिंगापुर से हांगकांग ले जाने की योजना की घोषणा की है, जिससे शहर की प्रो क्रिप्टो पॉलिसीज और कोविड से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन से इंप्रेसिव रिकवरी का हवाला दिया गया है। 17 मार्च को ये घोषणा की गई थी कि साउथ कोरियन इंस्क्रिप्शन एक्सचेंज कॉइन बन गए सिमिलर एक दूसरा साउथ कोरियन इंस्क्रिप्शन एक्सचेंज बिटथम के एम्प्लॉयज के क्रिप्टोकरेंसी को लिस्ट करने के लिए एलिजिबली फंड एक्सेप्ट करने के लिए ऑफिशियल्स द्वारा इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है। एक नए क्लास एक्शन लॉ सूट्स ने क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग बेन आर्मस्ट्रॉन्ग, ज़का, बिटबॉय पर कंपनसेशंस का खुलासा किए बिना FTX को बढ़ावा देने और आरोप लगाया गया। क्रिप्टो पेमेंट्स कंपनी रिपल और ब्लॉकचेन फाउंडर्स फंड ने Web3 ओरिएंटेड स्टार्टअप को डेवलप करने और अडॉप्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की घोषणा की है। कॉरपोरेशन के हिस्से के रूप में रिपल ने सिंगापुर बेस्ड वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट किया। मेकर्स ने स्टार्टिंग में अक्टूबर 2022 में MIP65 नामक एक इम्प्रूवमेंट प्रपोजल के माध्यम से US ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेटेस्ट ऑफर इन्वेस्टर्स के लिए क्रेडिट लिमिट को बढ़ाता है, इस प्रकार उस अमाउंट को बढ़ाता है जो मेकर लिक्विड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। 15 मार्च के एंड में पूल्स फाइनेंस ने एक हैक एक्सपीरियंस किया जिसमें अटैकर्स ने प्लेटफॉर्म के अर्थमेटिक ओवरफ्लो में लूप होल का फायदा उठाया। पता चलने पर पूल्स टीम एक्शन में आ गई, तेजी से पॉइंट ऑफ एंट्री को डिसेबल कर दिया और सबसे बैड इफेक्ट्स को कम किया।